नहीं हमको भी ले तो। अभी देखो मैं बाहर जाकर एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ठीक है। बोल रहा देखो अभी अभी मैं भी नहीं दिख रहा हूँ कि अभी वो किस पोजीशन में है, तो अभी देखते हैं। बोले ना कि देखो अभी फिर जाते हैं पीछे तो फिर देखना। परेशान हो जाता भाई, हम बोले ना कि अगर मेरे अलावा, ठीक है अभी हम आते हैं। देखो सीट से उतर गया, तुरंत ऐसे परेशान हो जाता है तुरंत। तो चल चल बैठ, चला ऊपर आ, ऊपर ऊपर है पे, चला है पे, है पे, है पे, है पे, है पे, है पे। अगर मेरे अलावा जैसे कि क्या करते हो भाई, देखो भाई इसको बस खेलने के लिए चाहिए, देख रहे हो ना, इसलिए दिल खुश रहता है भाई। मैं बोलूंगा आप लोग भी एक डॉग रख लो, मजा आता है, ठीक है। आ ले ले, अगर मेरे अलावा जैसे मम्मी पापा भैया सिस्टर कोई भी घर से बाहर, जिसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है, बोलेगा जा तरह जा, हमारा तो क्या मतलब बा, ठीक है। तो इसके अंदर ये रहता है। लेकिन वही अगर हम चले जाए, पैदल चले जाए, अभी बाइक से जाते तो कुछ नहीं बोलता, मेजर कुछ भी नहीं बोलेगा, प्रॉपर यहाँ पे बैठे रहेगा, इसको समझ में आएगा कहीं यहाँ दुकान वकान मतलब जहाँ भी गए हैं बाहर गए हैं, यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर हम पैदल जाते हैं जहाँ घर से बाहर, तब ये परेशान हो जाता है, मतलब मेरे साथ रहना चाहता है। और जैसे ही रात को घर पे आएंगे ना, बंदा रहेगा या फिर खुला रहेगा तुम मेरे पास, उसके बाद तो भूल ही जाओ, मतलब कि पूरे दिन। और एक चीज बता देता हूँ, पूरे दिन में कभी किचन में नहीं जाता है, मतलब कितना भी खुला रहेगा जब तक हम ना, मतलब किचन में ही जाएगा ही नहीं। और जैसे ही हम रात को शॉप से आ जाएंगे घर पे, उसके बाद ये तुरंत किचन में घुस जाएगा, मतलब उसके बाद किसी से डर नहीं लगता है कि हाँ चलो ठीक है मालिक आ गए अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेन आपके ट्रेनिंग के ऊपर है भाई। अभी जैसे मैंने आप लोग लाइव दिखा दिया कि मैं बस बाहर जाता हूँ तो मेजर कैसे है, मतलब किस टाइम पे ये भोगता है बोलता है, ठीक, परेशान हो जाता है, बस ये मेरे लिए परेशान रहता है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि आप अपने डॉग को अकेले रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, रख पाएंगे, लेकिन आपके ट्रेनिंग के ऊपर है कि आप कैसे उसका ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप भी अपने डॉग को रख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपने मेजर की एक्टिविटी देख ली भाई, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग भी डॉग रखो या डॉग रख के खुश रहोगे, ठीक है। और ये बेसिक नॉलेज भाई बचपन से जो आप ट्रेनिंग करते हैं, अगर वो आप ट्रेनिंग अच्छे से कर रहे हैं तो आप भी अपने डॉग को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बना लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग, हमारे चैनल अंकित यूपी शार्ट में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। अभी देखो चल भाई मारे लगा हम, अभी खेलने के लिए परेशान, अभी नहा के इसको बांधे हैं यहाँ पे। और ये आप देख सकते हैं पर्सनल कूलर एक मेजर भैया के लिए आ गया, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है ना, तो ये कूलर बस पर्सनल मेजर भैया के लिए लगा हुआ है। मेजर भैया यहाँ पे आराम से सोते हैं बैठते हैं, और इनका ये कूलर एनी टाइम चलता रहता है। उसका फायदा ये है कि देखो हाफता नहीं, अब मतलब कूलर चलने का एक बेनिफिट है कि मतलब इसको परमानेंट कूलर एक रखें तो हाफ नहीं रहा है, मुंह इसका बंद रह रहा है, ठीक। तो टॉपिक पे आते हैं, दो टॉपिक आज बताने वाले हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो दोनों टॉपिक में इसी में जवाब दे देंगे, ठीक। दो भाई का कमेंट है तो फटाफट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अभी देखो ना आए तो पूरा गीला मिल गई खुशी, बस हम इसके पास जहां बैठ जाए भाई तो खेलने के लिए परेशान हो जाता है। तो टॉपिक बता देते हैं भाई, एक भाई का कमेंट है कि सर मेरे जर्मन शेफर्ड अकेले नहीं रहता है, कैसे कैसे सिखाएं, मतलब वो चाहते हैं कि मेरा जर्मन शेफर्ड डॉग अकेले रह ले, सबसे बड़ी चीज है भाई। और एक है कि डे लाइफ रूटीन विथ मेजर, मतलब मेजर के पूरे दिन का रूटीन क्या है। तो पहले हम मेजर का रूटीन बता देते हैं भाई, उसके बाद हम बताएंगे कि आप अपने डॉग को अकेले रख पाएंगे या फिर नहीं। तो मैं मेजर का रूटीन बताता हूँ, मेजर अभी 3 साल का है, 3 साल के हिसाब से आप रूटीन समझ लेना। मैं इसको 2 टाइम खाना देता हूँ, और पहला चीज मेजर क्या क्या नहीं खाता है, मेजर बस समझ लो कुछ भी नहीं खाता है, बस इसको चाहिए चिकन और एग, इसके अलावा कुछ भी चीज नहीं खाता है। मजबूरी में दही माठा को हाथ लगाता है, वरना मतलब एक होता है ना कि अगर आप एक रोटी दे रहे हो तो एक रोटी को अगर 1 मिनट में खत्म करेगा ना, तो वही दही रोटी को 2 मिनट में खत्म करेगा, इतना डिस्टेंस आता है। तो आप बस इतना समझ सकते हो कि उतना चाव से नहीं खाता है, लेकिन बस मजबूरी में हाथ लगाता है। तो मेजर का रोटी है सुबह में 7 रोटी और 1 अंडा मिक्स करके दे देते हैं पानी में, ऐसे सूखा करते हैं, सूखा नहीं खा पाता उतना, सूखा खा लेता है दिक्कत नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा पानी में मिक्स करके देते हैं तो आराम से खा लेता है, इजिली खा लेता है।
और इसके बाद दोपहर में दही मट्ठा देंगे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, क्योंकि ये खाता ही नहीं है। मतलब बहुत मुश्किल से कभी कभार टच कर दिया तो कर दिया, वरना खाता नहीं है ये। और शाम को वही रूटीन है, 7 रोटी 1 अंडा पानी में मिक्स करके। तो ये उसका हफ्ते का रूटीन हो गया। और हफ्ते में अगर 7 दिन है तो 5 दिन वो अंडा रोटी खाता है और 2 दिन खाता है चिकन चावल और एग रोटी। ठीक है, सॉरी चिकन चावल एग रोटी बोल रहे हैं। 2 दिन खाता है चिकन चावल और 5 दिन खाता है एग रोटी। एक बार चिकन चावल चिकन लेकर खरीद के आते हैं, 250 ग्राम इसको हम चिकन लेके आते हैं। ठीक है, मतलब एक बार हम इसको 250 ग्राम चिकन लेकर आते हैं तो रात को खाता है और सुबह को खाता है। ठीक, मतलब 1/2 kg चावल में बॉइल करते हैं इसको चिकन। चिकन पीस वाला रहता है, हड्डी वाली नहीं रहती है। अगर हड्डी भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मेन मांस से ही मतलब रहता है। तो पावर 250 ग्राम चिकन और 1/2 kg चावल पानी में बॉयल कर देंगे और वो 2 टाइम खाता है, रात को शाम को लेकर आएंगे तो रात को मतलब बॉयल करके पका देंगे तो रात को खाएगा, फिर आधा सुबह को खाएगा, फिर वही शाम से अंडा रोटी। फिर मतलब हफ्ते में 2 बार इसको हम चिकन चावल देते हैं, 2 बार मतलब कि 2 दिन हो गया चिकन चावल। शाम को लाते हैं तो शाम को और सुबह को खाता है, तो ऐसे 2 बार होता है। तो 2 दिन चिकन चावल और बाकी दिन अंडा रोटी। इसके अलावा मैं इसको कुछ भी नहीं खिलाता हूँ और मेरे अकॉर्डिंग ये आपका डाइट प्लान बिल्कुल परफेक्ट भी है, क्योंकि मेरे पिछले वीडियो आप सारा जाके डिटेल्स देख लेना, ये बिल्कुल सही है क्योंकि मैं पेडिग्री वगैरह सब चीज़ खिला के देख चुका हूँ, कोई बेनिफिट नहीं है। और ये वाला चीज़ अगर आप खिला रहे हो ना तो मेरे बाकी सारे कमेंट पे पूछ लेना कि जो भाई खिला रहे हैं वो इससे खुश हैं या फिर नहीं है। ठीक, आप लोगों को खुद खुद जवाब मिल जाएगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा है कि भाई इससे अच्छा डाइट प्लान आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपका डॉग भी खुश रहेगा, खाना खाने में तो देर नहीं करेगा प्लस नुकसान नहीं करेगा, खाना बस वेट करेगा कि कब मेरे सामने खाना है और हम खा जाएं। ये रहे तो मतलब कि मेजर एक बीच बीमार भी पड़ता है, जो अभी मैंने बताया था स्किन इन्फेक्शन वाला सीन, स्किन इन्फेक्शन हुआ था लेकिन तब भी मतलब खाने में कोई नुकसान, मतलब हम बोल रहे इतने साल से 3 साल में हमको 2 साल हो गया मेजर को रखे, इतने साल में कभी हमको कोई कंप्लेन नहीं मिला है मेजर को, मतलब खाने से रिलेटेड कोई कभी कंप्लेन नहीं मिला कि खाना छोड़ दिया हो ये, मतलब आज तक शिकायत नहीं मिला है। कभी नहीं खाने का मन रहता है तो वैसे ही छोड़ देंगे, 2 घंटा बाद खा जाएगा। ठीक, तो ये रही इसकी डाइट प्लान भाई। तो डाइट प्लान आप भी नेचुरल डाइट प्लान रखो, पैकेट वाले के पीछे मत भागो, उससे रिलेटेड मेरे सारे ब्लॉग बने हुए हैं, आप उस पर जाके ब्लॉग में देख लेना। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा है कि आपको नेचुरल डाइट प्लान सबसे बेस्ट रहेगा। अब बात करते हैं कि भाई का कहना है कि हम अपने जर्मन शेफर्ड को अकेले रखना चाहते हैं। तो भाई देखो, मेरे अकॉर्डिंग मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि आप अपने जर्मन शेफर्ड को अकेले नहीं रख पाएंगे, कहीं भी देखेंगे तो ये फैमिली डॉग है, फ्रेंडली डॉग है। ठीक है, सिक्योरिटी मैटर में सबसे नंबर 1 पे है, लेकिन ये भाई डॉग अकेले नहीं रह पाएगा। जैसे कि जर्मन शेफर्ड को छोटे से जगह पर रखेंगे तो नहीं रख पाएगा, इसको खेलने कूदने के लिए स्पेस चाहिए। अभी बहुत भाई लोग कहते हैं ना कि अपने घर में कैसा डॉग रखें, तो मेरा पहला कहना यही रहता है कि अगर आप जर्मन शेफर्ड रख रहे हैं तो जर्मन शेफर्ड के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए भाई, किसी भी हाल में स्पेस चाहिए। ठीक है, जर्मन शेफर्ड अगर आप रख रहे हैं तो किसी भी हाल में स्पेस चाहिए, प्लस ये फ्रेंडली डॉग है, इसको खेलने कूदने के लिए चाहिए। अगर मैं ही मेजर खुलर, देखो अब पता नहीं आप क्यों परेशान है, हो सकता है कि आपको परेशान करता होगा, रोता होता होगा, जो भी सीन है। तो मतलब मैं अगर मेजर को साइड में बांध दूंगा तो ये रह लेगा। ठीक है, मैं अदर जर्मन शेफर्ड में मतलब जो देखता हूँ और अपने मेजर में, तो हमको क्या डिफरेंट देखने को मिलता है कि मतलब मेजर में ये चीज हमको सीखने को मिला है ना कि मतलब एक होता है ना एजेड आदमी, गंभीरता उसके अंदर रहना, वही सेम प्रोसेस है मेजर के अंदर, मतलब बच्चों जैसे हरकतें नहीं करता है। मैंने ये चीज सीखा है, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, मैंने इसके अंदर बच्चों जैसे हरकतें करने नहीं सीख नहीं देखा। मतलब ये नहीं कि होता है ना साथ में खेलना तो कुछ ज्यादा खेलने लगना, कुछ ज्यादा मतलब शरीर पर चढ़ना, नाखून नहीं है परेशान, ऐसा कुछ नहीं, मतलब एक गंभीरता इसके अंदर दिखता है। हाँ ठीक है, अगर चलेगा तो शान से चलेगा, हाँ एग्रेसिव रहेगा तो प्रॉपर एग्रेसिव रहेगा। ठीक, मतलब ये नहीं, और फ्रेंडली है तो नॉर्मल फ्रेंडली ही खेलेगा, मतलब एज आप भी हैप्पी रहोगे, ये नहीं कि बिल्कुल आपको इरिटेट कर रहा है, हद से ज्यादा खेल रहा है, ये नहीं। मतलब एक होता है ना कि गंभीरता नाम के इसके अंदर चीज है, मतलब वो चीज हमको बहुत सही लगता है कि जो मैं अदर डॉग के अंदर नहीं देखता हूँ, कि मतलब फ्रेंडली के नाम पे कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली है। ठीक है, प्लस एग्रेसिव हो रहा है तो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो मतलब हर एंगल से देखा जाना तो मेजर बिल्कुल परफेक्ट है, हमको कोई कंप्लेन नहीं। तो यही बात रहने वाली भाई कि अगर आप चाहते हो कि अपने डॉग को अकेले रख पा रहा, तो मेरे अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक चीज कहूंगा कि आप क्यों परेशान हो उसका रीजन बता दो, कि आप क्यों उसको अकेले रखना चाहते हो, क्योंकि देखो मेजर आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। अगर आप उसके उसके साथ हद से ज्यादा खेले होंगे, फ्रेंडली बना दिए होंगे, तो आप उसको अकेले बांधोगे तो वो नहीं रह पाएगा।
आपने अपने डॉग को ज्यादा उसके साथ खेल रहे हैं, फ्रेंडली बना के रखे हैं, तो उसको अकेले बांध देंगे तो वो नहीं रह पाएगा, खेलने के लिए खोजने, रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, भौंकने लगेगा कि आप उसको खोलो खोलो। तो मेजर के अंदर ऐसा चीज नहीं है। अगर मेजर को हम उधर कोने में बांध देना पूरे दिन तो वहां पर चुपचाप बैठा रहेगा। इसको तकलीफ तब होती अगर हम घर में रहे, यहाँ पे सोए हैं बैठे हैं, तो मेजर नहीं भौंकेगा, हमको देखेगा कि मतलब हम आके उसको खोलें ये। लेकिन इसको तकलीफ तब होती है जब हम बाहर अकेले चले जाएं घूमने, बाइक से जाएंगे तब भी नहीं बोलेगा, कार से जाएंगे तब भी नहीं बोलेगा, इसको समझ में आता है कि हम कहीं बाहर गए हैं काम से। लेकिन अगर हम पैदल घर से बाहर जाते हैं ना, तब ये भौंकना स्टार्ट कर देगा कि हमको भी साथ में लेकर चलो। इसके अलावा कभी मेजर नहीं भौंकता। और आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड है भाई, अगर आपने बिहेवियर इसका बचपन में बोलने की ज्यादा फ्रेंडली बना देते हैं लोग, ज्यादा खिलाने कुदाने लगते हैं, तो अगर आपने इसका बिहेवियर सही रखा ना, तो इसको खोल के भी रख दोगे ना, तो ये आपको जरा सा भी परेशान नहीं करेगा, जरा सा इरिटेट नहीं करेगा। आपको समझ में नहीं आया कि हम अपने डॉग को खोल के रखें कि बांध के रखें। अभी नहाया हुआ है तो मिट्टी पे जाके ना बैठ जाए, इसलिए हम इसको बांध के रखें, नहीं तो हम अगर इसको खोल के भी रख देंगे ना, बस यहाँ पे बोल देंगे बैठो तो ये बैठा रहेगा, आपको परेशान ही नहीं करेगा। तो मतलब आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि हम अपने डॉग को खोल के रखें कि बांध के रखें। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप रखना चाहते हैं तो भाई आप चाह के भी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जर्मन शेफर्ड वो अकेले रहने वाला डॉग ही नहीं है। लेकिन आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड है, अगर आप ऐसा बिहेव करते हैं, अगर आप अपने डॉग को वैसे ट्रेंड करते हैं तो आपका डॉग वैसे रह लेगा। लेकिन कमी आपके में, लोग जब पप्पीज रहते हैं तो हद से ज्यादा खिलाने कुदाने लगते हैं, लेकिन बड़े होने पर जब बिहेवियर खराब हो जाता है तो परेशान होने लगते हैं। जबकि अभी प्रेजेंट टाइम सबसे ज्यादा मेरे पे यही कमेंट आते हैं कि भाई मेरा डॉग एग्रेसिव नहीं है, ये नहीं है, ये सबसे रिलेटेड बहुत ज्यादा कमेंट आता है। भाई हम लोग ही खिला कुदा के इसका रंग खराब कर देते हैं। तो बचपन में जब आपका डॉग पप्पी है ना, सबसे ज्यादा केयर उसी टाइम करना पड़ता है। अगर आपने उस टाइम पे अगर उसका केयर अच्छे से कर दिया, ट्रेनिंग कर दिया ना, तो बड़े होने के बाद बस आपको चारों तरफ से तारीफें मिलेंगी कि जैसे अंकित भाई आपका डॉग बिल्कुल सही है, मेजर बहुत सही है। जैसे मैं खुद बता रहा हूँ ना, इसके अंदर मेच्योरिटी नाम की चीज है, ठीक है। जैसे एजेड लोग करते हैं ना कि हाँ ठीक है, अपने एक लेवल होता है कि हाँ ठीक है इस पोजिशन में है, उस हिसाब से मेजर रहता है। ये नहीं किसी को देखे तो खेलने कूदने लगे, बच्चे को देख लिए तो हम भी कूदने फाड़ने लगे छत पर से नीचे, ये वो, ज्यादा नहीं। मतलब खेलेगा भी तो एक लिमिट में खेलेगा, वो भी सबके साथ नहीं खेलेगा। मेरे साथ ज्यादा खेलता है और पापा के साथ ज्यादा खेलता है, उसके अलावा किसी के साथ नहीं खेलता है। कोई कितना भी खेला है तो उतना ज्यादा नहीं खेलेगा मेरे साथ, पापा तो उतना खिलाते नहीं, तो मेरे साथ फ्रेंडली है। तो मतलब ऐसा सीरियस टाइप रहता है कि हाँ ठीक है, मतलब लोग देख के बोले हाँ डॉग है, खेलेगा तो मेरे साथ खेलेगा, और तुरंत सीरियस भी हो जाएगा, सीरियस रहेगा तो सीरियस रहेगा। ये नहीं कि मतलब एक होता है ना इरिटेट करने लगते हैं, थोड़ा डॉग को खेला कूदा दो तो कुछ ज्यादा हद से ज्यादा खेलने लगे, तो ऐसा ऐसा चीज नहीं है। तो इसलिए मेजर को बिहेवियर मेन आपके ट्रेनिंग के ऊपर है भाई, कि अगर आप अपने डॉग का ट्रेनिंग अच्छे से करेंगे तो आप अपने डॉग को भी अकेले रख सकते हैं। तो मेन उसका प्रोसेस बचपन से स्टार्ट होता है, अगर आपने बचपन से अच्छे से ट्रेंड किया तो आपका भी डॉग बिल्कुल अकेले रह लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मेजर को अगर उधर साइड में बांध दूं हम लोग को दिखेगा नहीं, अगर मैं अभी खाना दे के बांध दूं और शाम को खोलूं ना, तो बिल्कुल मेजर कुछ नहीं बोलेगा, वहां पर चुपचाप सोया रहेगा। हल्का सा आवाज वगैरह कुछ आएगा तो भौंकेगा, फिर बैठ जाएगा, आराम से बैठा रहेगा। मतलब ये कभी रोने का वाला सीन ही नहीं हुआ है मेजर में, कभी रोने का वाला सीन नहीं किया। हाँ भौंकता है जब हम अकेले, जैसे मैंने बताया कि अभी मैं पैदल चला जाऊं बाहर, तो अभी ये भौंकना इसका स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखो मैं चुपचाप उठ के जाऊंगा ना, तो आप बस मेजर को देखते रहना, ये खुद देखना कैसे मतलब हमको देखने लगेगा या फिर अपने सीट से उठ जाएगा। हमको पैदल देखे बाहर जाते ना तो टेंशन में आ जाता है कि नहीं हमको भी ले। तो अभी देखो मैं बाहर जाकर एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी देखना वो हमको देखेगा चुपचाप। बोलना भाई देखो अभी अभी मैं भी नहीं दिख रहा हूँ कि अभी वो किस पोजीशन में है, तो अभी देखते हैं। बोले ना कि देखो अभी फिर जाते हैं पीछे तो फिर देखना। परेशान हो जाता भाई, हम बोले ना कि अगर मेरे अलावा, ठीक है अभी हम आते हैं, देखो सीट से उतर गया, तुरंत ऐसे परेशान हो जाता है तुरंत। तो चल चल बैठ, चला ऊपर आ, ऊपर ऊपर है पे, चला है पे, है पे, है पे, है पे, है पे, है पे। अगर मेरे अलावा जैसे कि कहा करते हो भाई,
देखो भाई इसको बस खेलने के लिए चाहिए, देख रहे हो ना, इसलिए दिल खुश रहता है भाई। मैं बोलूंगा आप लोग भी एक डॉग रख लो, मजा आता है, ठीक है। आ ले ले, ले। अगर मेरे अलावा जैसे मम्मी पापा भैया सिस्टर कोई भी घर से बाहर जाए, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है, बोलेगा जाता रहता जा, हमारा तो क्या मतलब बा, ठीक है। तो इसके अंदर ये रहता है, लेकिन वही अगर हम चले जाए पैदल चले जाए, अभी बाइक से जाते तो कुछ नहीं बोलता, मेजर कुछ भी नहीं बोलेगा, प्रॉपर यहाँ पे बैठे रहेगा, इसको समझ में आएगा कहीं यहाँ दुकान वकान मतलब जहाँ भी गए हैं बाहर गए यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर हम पैदल जाते हैं जहाँ घर से बाहर, तब ये परेशान हो जाता है, मतलब मेरे साथ रहना चाहता है, और जैसे ही रात को घर पे आएंगे ना, बंदा रहेगा या फिर खुला रहेगा तो मेरे पास, उसके बाद तो भूल ही जाओ, मतलब कि पूरे दिन, और एक चीज बता देता हूँ, पूरे दिन में कभी किचन में नहीं जाता है, मतलब कितना भी खुला रहेगा जब तक हम ना रहे, मतलब किचन में ही जाएगा ही नहीं। और जैसे ही हम रात को शॉप से आ जाएंगे घर पे, उसके बाद ये तुरंत किचन में घुस जाएगा, मतलब उसके बाद किसी से डर नहीं लगता है कि हाँ चलो ठीक है मालिक आ गए अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेन आपके ट्रेनिंग के ऊपर है भाई। अभी जैसे मैंने आप लोग लाइव दिखा दिया कि मैं बस बाहर जाता हूँ तो मेजर कैसे है, मतलब किस टाइम पे ये भोगता है बोलता है, ठीक, परेशान हो जाता है, बस ये मेरे लिए परेशान रहता है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि आप अपने डॉग को अकेले रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, रख पाएंगे, लेकिन आपके ट्रेनिंग के ऊपर है कि आप कैसे उसका ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप भी अपने डॉग को रख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपने मेजर की एक्टिविटी देख ली भाई, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग भी डॉग रखो यार, डॉग रख के खुश रहोगे, ठीक है। और ये बेसिक नॉलेज भाई, बचपन से जो आप ट्रेनिंग करते हैं, अगर वो आप ट्रेनिंग अच्छे से कर रहे हैं तो आप भी अपने डॉग को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बना लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी, ठीक है।